आज का टॉपिक है हमारा शेयर फॉरफीचर का। चलिए पहले शेयर फॉरफीचर स्टार्ट कर लेते हैं। शेयर फॉरफीचर लास्ट क्लास में हमने बैलेंस शीट कर लिया था और एक ये सवाल दिया था जो बच्चों ने कहा था सर ये हुआ नहीं है हमारा सवाल, तो इसी के आगे लेके चलते हैं। आज का टॉपिक है सर शेयर फॉरफीचर का। शेयर फॉरफीचर चलिए अब शेयर फॉरफीचर में क्या था, सभी बच्चों का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक एक करके आंसर भी दे दूंगा। हमने शेयर कैपिटल के अंदर नॉर्मली हमने बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए लास्ट क्लास में बैलेंस शीट और कैश बुक खत्म किया, आज शेयर फॉरफीचर पे करेंगे। अदर देन कैश वाला हम सबसे लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम डिबेंचर के साथ भी कर सकते हैं। तो शेयर फॉरफीचर में है क्या मेनली देखा जाए तो सर शेयर फॉरफीचर में होता क्या है, मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा। पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने इशू किया 10,000 शेयर, हमने इशू किया 10,000 शेयर और सपोज एप्लीकेशन रिसीव भी है 10,000 शेयर से, ठीक है ना, 10 रुपए का शेयर है नॉर्मली जो रखते हैं हम। इस 10 रुपए के शेयर के मैंने 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए, यहां पे मिस्टर राम फेल हो गया, इसने पेमेंट नहीं किया। अब यहां तक कि हम ना बेसिक एंट्री एक बार देखते हैं क्या होगा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने होंगे ये, दैट इज आपका 10,000 इंटू में 5 यानी 50,000। पहले मैं बेसिक करवा रहा हूं, फॉरफीचर करेंगे इसी के अंदर। फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 और 50,000। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होगा हमारा 30,000 और 30,000। इसके बाद आगे देखते हैं सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये आ गया 30,000। जनरल एंट्री कर रहे हैं पहले, सिंपल 30,000। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल, बैंक में पूरे पैसे नहीं आएंगे क्योंकि एक फेल हो गया ना तो वो नहीं आने वाला,
तो बैंक में सर कितने पैसे आएंगे? बैंक में राम के पास कितने शेयर थे? नहीं लिखे, राम के पास मान लेते हैं 200 शेयर थे, तो 600 रुपये बैंक में नहीं आएगा, तो आना कितना था सर? 10,000 इंटू में 3, 30,000, 600 नहीं आएगा तो कितने आएंगे सर? 29,400। एरियर ऑन अलॉटमेंट 600 और टू शेयर अलॉटमेंट 30,000। तीस हजार ठीक है। आगे देखते हैं, शेयर अलॉटमेंट नहीं, शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आएंगे सर? 10,000 इंटू में टू, दैट इज 20,000, दैट इज 20,000। आगे देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगेन बैंक में 20,000 तो आएंगे नहीं सर, बैंक में से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे? ये अगेन फेल होगा ये, यानी 400, तो आ जाएगा 19,000। एंड कॉल सिनेरियर 400 और टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 20,000, शेयर फाइनल कॉल 20,000। अब आप ध्यान से देखिए, जो मैं कहूंगा समझिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हुआ ये कि जो राम है हमारा, इस ये जो फेल होता है 200 शेयर देने में, ये फेल भले हो जाता है लेकिन हमने इसको शेयर तो दे ही रहे हैं। शेयर देने का मतलब शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट का मतलब शेयर कैपिटल, कैपिटल तो सर इसको मिल ही रहा है ना, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर कैपिटल जो मर्जी बोल रहे हो वो तो इसको मिल रहा है सर। अगर हम इसे शेयर सर्टिफिकेट देते हैं तो इसका मतलब, जैसे पहली एंट्री में आप ध्यान से देखिएगा, राम को यहां पे भी शेयर कैपिटल कितने का मिला? राम के पास 200 था ना, क्या इसके अंदर राम का शेयर जुड़ा होगा? जुड़ा होगा, यानी राम को यहां पे भी 2,000 का सामान मिल चुका है, पैसे दे दिए, ऑल दो अलग बात है, यहां पे भी राम का 2,000 रुपये यहां पे भी जुड़ा होगा। कितने? अब मैंने ज्यादा लिख दिया, 200, 2,000 ज्यादा लिख दिया। राम का यहां पे 205 रुपये के हिसाब से, मैं बस ये सिंपल कहना चाहता हूं, राम को यहां पे पूरे शेयर मिले, राम को यहां पे भी पूरे शेयर मिले और राम को यहां पे भी पूरे शेयर मिले, यानी राम को पूरे पैसे दे दिए गए, शेयर दे दिए गए और राम से पूरे शेयर के पैसे नहीं मिले हैं, तभी तो उसके नाम से कॉल सिनेरियर आया। अब इतना करने के बाद हम फाइनली वेट कर रहे हैं कि भैया राम आप मुझे पैसे दो, राम मना कर देता है, हम पैसे नहीं देंगे अब आगे, तो हम भी क्या करेंगे कि जो मैंने राम को शेयर्स दिए थे हम वो सारे शेयर्स उससे वापस ले लेंगे। तो राम को यहां पे शेयर दिया, यहां पे शेयर दिया, यहां पे शेयर दिया, यहां कितने का शेयर दिया? 5 रुपए का। यहां कितने का दिया? 3 रुपए का। यहां कितने का दिया? 2 का। तो जितने भी हमने दिए थे उसे वापसी ले लेंगे। तो जब हम राम को शेयर दे रहे थे तो क्या कर रहे थे? क्रेडिट है ना, क्रेडिट किया, क्रेडिट किया, क्रेडिट किया। जब हम उसके शेयर को वापस छीन लेंगे, जिसको फोर फीचर बोलते हैं, जब उसके शेयर को वापस ले लेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो शेयर, अगर मुझे राम का फोर फीचर करना हो तो एंट्री क्या होगा शेयर फोर फीचर का? मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो ये समझिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ क्यों? क्योंकि उसको मैंने पहले क्रेडिट किया था ना, तो अब डेबिट करके कंपनसेट कर रहे हैं। कितने सर? इसके पास 200 शेयर थे, उससे मैंने 5 रुपए भी वापस लेने हैं, 3 भी और 2 भी। इसका मतलब सर 10, और 10 के हिसाब से देखा जाए तो पूरे 2,000 रुपए के उसके कैपिटल वापस ले लिए जाएंगे, पूरे 2,000 रुपए का कैपिटल वापस ले लिया जाएगा। पहले यहां तक देखिए, कितने का कैपिटल ले लिया गया? 2,000 का वापस।
अब राम के शेयर्स हम उसके ना पैसे जो वो हमें देता है ना उसे हम फोर फीचर कर लेते हैं। फोर फीचर का मतलब है आपने मुझे मान लेते हैं कि आपने मुझे 500 रुपये दिया, अब मैं कह रहा हूँ कि आपसे बाकी के आपके पैसे बोल रहा हूँ कि नहीं दूंगा। आपने मुझे 500 दिया, आपसे मुझे लेने थे 1000 रुपये और वो 1000 रुपये आपको मैं वापस करता, समझना बात को। मैंने बोले भाई मुझे एक काम कर 1000 रुपये दे दो, आपने पहले 500 दिए, मैंने बोला बाकी के भी 500 रुपये दे दो, मैं इकट्ठा ही 1000 वापस करूंगा। आपने वो बाकी के 500 रुपये नहीं दिए, मैं कहता हूं कि भैया अब मैं आपके पैसे कुछ भी वापस नहीं करूंगा। यानी बेसिक सी बात करें तो जो शेयर होल्डर के पास शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे दे चुका है वो कंपनी उसके लौट आएगा नहीं। मुझे कमेंट में बताइएगा कि राम ने कंपनी को कितने पैसे दिए हैं, क्या ये 3 रुपए राम ने दिए हैं? नहीं, तो इसको तो जब्त कर नहीं सकते। क्या ये 2 रुपए दिए हैं? नहीं। क्या ये 5 रुपए दिए हैं? तो जो पैसा राम ने कंपनी को दे दिया है उसको हम शेयर फोरफीचर में करेंगे, और जब कंपनी शेयर फोरफीचर करेगा तो कहीं ना कंपनी का फायदा है तो क्रेडिट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? शेयर फोरफीचर। कितना शेयर फोरफीचर करेंगे? सिर्फ 10 के हिसाब से, सॉरी 5 के हिसाब से, जो कि आएगा हमारा कितना, 1000। और फिर इसके बाद फाइनली क्या होगा, जो इसके नाम से मैंने हर बार, देखो हर बार यहां पे मैंने क्या करा है, शेयर अलॉटमेंट, यानी मुझे लगा था कि राम पैसा देगा इसलिए मैं अलॉटमेंट को खत्म कर चुका हूं। यहां फाइनल कॉल, तो यहां पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, ठीक है? नहीं, शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, वो तो कैंसिल हो गया। यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, क्योंकि एरियर पड़ा था, यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर कितना, 3 और 2 5, तो बड़ी सीधी सी बात है 200 × 5। अभी बहुत सारे सवाल करेंगे फिर हम समझ में आ जाएगा हमें। ध्यान दीजिएगा, फटाफट से ध्यान दीजिए सर, शेयर फोरफीचर का मतलब क्या होता है, जितना पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया अब कंपनी उसके वो पैसे नहीं लौट आएगा, यानी कंपनी वो पैसा फोरफीचर कर रही है। तो यहां पे इसने सिर्फ 5 दिया तो 5 फोरफीचर कर लिया। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि उसके जितने शेयर दिए थे क्रेडिट किए थे, देते टाइम पे लेते टाइम पे डेबिट। शेयर फोरफीचर क्रेडिट क्यों हो गया, क्योंकि हमारे लिए फायदा है। शेयर फोरफीचर कितना क्रेडिट होगा, जितना उसने रुपए दिया होगा। कॉल इन एरियर, जहां जहां फेल होगा उन सभी को जोड़ के हम कहां पे लिख देंगे सर, कॉल इन एरियर के अंदर। पहले इसमें देखिए कोई डाउट, पहला एग्जांपल मैंने किया है ये, बेसिकली शेयर फोरफीचर की एंट्री सिर्फ ये है। आने वाले जो मैं एग्जांपल में लूंगा उसमें सिर्फ शेयर फोरफीचर की एंट्री करने वाला हूं, ना कि पूरा, सिर्फ शेयर फोरफीचर की एंट्री करूंगा, पूरा नहीं करूंगा। पहले यहां तक बताइए कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? कमेंट में बताइए यहां तक कोई डाउट। अभिषेक नो सर, कॉल इन एरियर होगा। हाँ, कॉल इन एरियर ही तो लिखा है। नो, ठीक है। चलिए अब मैं ना कुछ छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल लूंगा, आपको जवाब देते जाना है सर। बेसिक एग्जांपल, अब मैं पूरे सवाल नहीं करने वाला। एक और एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं मेरा जो शेयर था, इश्यू था हमारा 10,000, 10 रुपए का। अभी हम सिर्फ सिंपल फोरफीचर कर रहे हैं, प्रीमियम वाले की बात ही नहीं कर रहे। कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है प्रीमियम होगा तो कैसे करेंगे, तो उसकी बात नहीं कर रहे। तो सर यहां पे ले लिया हमने 5 रुपए, और 5 के बाद 3 रुपए या 2 रुपए और 3 रुपए। अब दूसरा एग्जांपल है मोहन, मोहन यहीं पे फेल हो गया, इसके पास 500 शेयर है और मोहन ने पैसे नहीं दिया, कंपनी को गुस्सा आ गया, कंपनी ने बोले भाई तूने पैसे नहीं दिया, हम तेरे इसी जगह पे शेयर फोरफीचर कर लेंगे, मतलब हम तेरे से ये तो मांगेंगे ही नहीं। मतलब मोहन ने जैसे ही पैसे देने से मना करा, कंपनी ने बोला भैया अब तेरा शेयर फोरफीचर होगा, तू दे नहीं रहा पैसा। पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, उसने यहां पैसा नहीं दिया, कंपनी ने बोला कोई बात नहीं तुम आगे तो देना।
आगे भी नहीं दिया, कंपनी ने बोला कि भैया बस अब तुम ज्यादा टाइम तक हमें क्या कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे, तो आपका शेयर फॉरफीचर हो जाएगा। तो यहां वाले एग्जाम्पल में देखिए कैसे होगा। सर यहां इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिर्फ इससे ये वाला कैपिटल मांगा गया था, ये मांगा गया था यानी क्रेडिट, ये तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं था, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया, तो सिर्फ 7 रुपए था, तो 500 इंटू में 7 आएगा। ये ध्यान रखना, पिछले में क्या था, इससे ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, इसलिए 200 इंटू में 10 हुआ था, यहां पे सिर्फ यहीं तक मांगा, इसके आगे ही नहीं गया, 500 इंटू में 7, 3500। अब शेयर फॉरफीचर की बात करते हैं, टू शेयर फॉरफीचर। सर शेयर फॉरफीचर कितना होगा, जितना उसने दिया, सिर्फ कितना दिया 5, तो सर 500 इंटू में 5 सिर्फ शेयर फॉरफीचर में कितना चला जाएगा, 2500। और कॉल सिनेरियर में जो नहीं दिया, कॉल सिनेरियर या अलॉटमेंट एरियर कह लो, कितने नहीं दिए सर, 2 रुपए, तो 500 इंटू में 2, दैट इज आपका 1000। किसी को डाउट, ये है हमारा शेयर फॉरफीचर, री इशू की अभी बाद में बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल, पहले किसी को डाउट है बताइए, यहां पे किसी को इसमें डाउट नहीं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने इशू किया मान लेते हैं 5000, बट हियर एप्लीकेशन रिसीव 6000, 10 रुपए का, इसको ध्यान से देखेंगे हम थोड़ा, 10 का शेयर है, पांच रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए, मान लेते हैं सोनू फेल हो गया, कितने शेयर में सर, सोनू फेल हो गया, जिसके पास होल्ड करता था, ये होल्ड करता था 600 शेयर, 600 नहीं 500 कर देते हैं, 500 शेयर होल्ड करता था, ये फेल हो गया भाई साहब, और इससे हमने ये वाला तो फेल हुआ ही, हमने इसको यहां भी मौका दिया, यहां भी फेल हुआ। अब इसके बाद इसके शेयर फॉरफीचर कर लिए गए, पहली कहानी, इसके बाद इसके शेयर फॉरफीचर कर लिए गए। दो एग्जाम्पल सेम ही लेने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है? एक और लिख लेता हूँ इधर, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि हमारा थोड़ा साफ सुथरा है, इसी को मैं दोबारा भी कराऊंगा। ओके, यस, इसी को दोबारा भी कराऊंगा, बस इसमें फर्क ये रखूंगा, इसको मौका ही नहीं देंगे। दूसरे वाले एग्जाम्पल को मैं बताऊंगा, पहले इस वाले एग्जाम्पल को देखिएगा आप। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, सर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना होगा आपका, इसी का कर रहे हैं, सिर्फ हम ना फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं, इशू वगैरह की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉरफीचर वाली उठा के एंट्री कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इशू वगैरह की नहीं कर रहे हैं। क्या होगा सर, 500 इससे पूरा ही मांगा गया ना, ये भी इससे मांगा था, यहां फेल तो हो गया, और इसके बाद इसको अभी मौका दिया, तो 10 है, तो सर 500 इंटू में 10। अब मजे के बाद देखिए, यहां पे होल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, होल्ड, तो 500 इंटू में 10, दैट इज आपका 5000। इसका शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर, सर शेयर फॉरफीचर कितना होगा इसका, जितना इसने दे दिया, तो सर एक तो ये दे दिया इसने, और सर इसने एडवांस भी दिया होगा, क्योंकि जितना पैसा ये देगा उतना फॉरफीचर हो जाएगा। तो मोटा मोटी टेंटेटिवली कैलकुलेशन लगाते हैं कि भाई सोनू तुझे मिला कितना था, सोनू तुझे मिला कितना था, तो जवाब आया उसे मिला था, तो हम देख लेते हैं भाई उसने मांगा कितना था, अप्लाई कितना किया था, मांगा कितना था, तो रेशो निकलेगा, और रेशो क्या होगा, 5:6, 5:6। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा,
फाइव इज टू सिक्स में देखा जाए तो इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका 600 आ जाएगा। कैसे आया 600 सर? 500 डिवाइडेड बाय 5 इनटू में 6, ये पहले हम देख चुके हैं। तो 600 शेयर मांगा, तो इसने टोटल पैसा जो दिया होगा ना वो 600 के हिसाब से दिया होगा। सर टोटल पैसा जो दिया होगा वो 600 के हिसाब से दिया होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टोटल तो कितना दिया होगा? इसने मांगा होगा भैया 600 इंटू में 5, दैट इज 3000। तो इसने मुझे कितने रुपये दिए? 3000 रुपये दिए। तो इसका फोरफीचर जितने इसने मुझे दे दिए उतना ही तो करूंगा, तो इसका फोरफीचर में चला जाएगा हमारा पूरा पूरा 3000 रुपये। सर 3000 कैसे? एक बार और समझाओ, मैं यहां करके मिटा दूंगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि भैया इसने टोटल पेमेंट दिया, 600 गुणा में 5 3000। इसका एप्लीकेशन पे कट जाता है कितना? 500 मल्टीप्लाई बाय 5 2500। फिर भी इसका क्या रहता है? एडवांस रह जाता है 500। तो अगर मैं इसका डिटेल डालू ना तो 2500 रुपए तो इसने जो एप्लीकेशन का दिया प्लस 500 रुपए इसने जो एडवांस वाला दिया, तो ऐसे बना इसका क्या 3000। बताइए कोई डाउट? इसके बाद 2 क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। अब एरियर की बात करें ना तो यहां पे जो फेल होगा ना 500 इंटू 4 में नहीं होगा। अगर मैं इससे कॉल कर लेता हूं ऑन अलॉटमेंट पे, भाई अलॉटमेंट पे पैसा ला, तुझे लाने हैं 500 इंटू में 4 2000, वो बोलता है नहीं दूंगा, तो एक्चुअली में ये 1500 रुपए देने में सिर्फ फेल हुआ। तो अलॉटमेंट पे 1500 रुपए देने में फेल हो गया और फाइनल कॉल पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एडवांस गया ही नहीं, तो 500 इंटू में 1 तो 500, तो अल्टीमेटली ये जो फेल हुआ देने में कितना 2000, ये एंट्री होगा। एक बार अभी और भी डिस्कस कर लेंगे इस पर, क्या कहते हैं? चलिए सर, इस सवाल के अंदर यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस ये है कि एडवांस के बाद भी फोरफीचर हुआ, एडवांस के बाद भी फोरफीचर हो गया है। एडवांस के बाद फोरफीचर की हम बात करते हैं तो क्या है सर? सबसे पहले यहाँ पे इसने इशू किए थे इतने और इतने, यहाँ पे इसने होल्ड किए, होल्ड का मतलब इसे मिला है। कितने मिले थे इसे सर? 500 मिलने के बाद इसने मांगे कितने थे वो हमें निकालना है। इसने मांगा 600 था। पहले तो आप यहां तक एग्री करिए, सभी कमेंट में लिखिए कि 500 और 600 वाला फंडा समझ में आया, तो मैं एक एक के स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा। एक बार पहले बताइए 500 और 600 वाला, तब मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला हूं। 500 और 600 वाला बताइए। पांच सौ और 600 सिर्फ 506 रिपीट। चलो अब सब बच्चे बोल रहे हैं सर रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो, तो दोबारा ही कर देते हैं। इस एंट्री को तो नहीं मिटाऊंगा लेकिन कैलकुलेशन जरूर दोबारा कर लेते हैं, ठीक है? देखिए फिर इसको अगले पेज पे लेके जाएंगे, मैंने सोचा मेरा थोड़ा सा समय बचेगा यहाँ। चलिए इसको छोटा करते हैं थोड़ा। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए क्या हुआ। राम को अलॉटेड हुआ, अलॉटेड टू राम। राम को कितना अलॉटेड हुआ? अलॉटेड का मतलब मिला कितना? 500। कैसे पता चला राम को 500 मिला? क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम ये देखते हैं राम ने कितना अप्लाई किया। अप्लाई बाय राम, तो हम ये चेक करते हैं कि राम ने कितना अप्लाई किया। तो अप्लाई की बात करेंगे तो सर रेशो में निकालेंगे, कैसे? 500 और इंटू में, 500 इंटू में क्या रखें सर? रेशो इंटू में क्या रखें? तो रेशो जो यहाँ पे बन रहा है ना वो 5:6 बन रहा है, तो डिवाइडेड बाय आपका अलॉटेड है, तो अलॉटेड का रेशो 5 और इंटू में 6, तो इसको मिले 600। तो पहले आप यहाँ तक मुझे पक्का करके बताइए सर ये बात हमें समझ में आ गई है कि इसने मांगे थे 600 और इसे मिला 500, हाँ या ना कमेंट में जवाब दीजिए। पहले यहाँ तक, अरे ये प्रोराटा के चक्कर में मत पड़िए, बस आप कॉन्सेप्ट बताते रहिए, समझ में आया नहीं आया। प्रोराटा वगैरह के चक्कर में आप पढ़ेंगे ना तो फिर चैप्टर तो आपका हो गया। आप सिंपल सी बात करो, ये जो मैंने कहा ये समझ में आया कि नहीं आया?
यहां तक जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था पहले, उनको क्लियर है फटाफट बता दीजिए। यस, चलिए क्लियर है ये। अब हम क्या करते हैं, इसके पैसे का हिसाब करते हैं। ये तो शेयर का हिसाब हो गया था पैसे का। इसने भाई साहब टोटल पैसा पता है कितना दिया? भाई साहब इसने टोटल पैसा दिया कितने, 600 मांगे थे ना। आप अपने आप को मांगो, आप शेयर होल्डर हो, आपने कितने दिए होंगे? 600 गुणा में, भैया 5 रुपए का एक है, तो आपने मुझे दिए कि भैया मुझे 3000 रुपए का सामान दो। आपने कहा मुझे कि मुझे 3000 रुपए का सामान दो। मैंने कहा नहीं भाई साहब, आपको 3 का नहीं दे सकते, हम आपको एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं 500 शेयर। इसका मतलब आपको मैंने सामान कितने का दिया? आपको सामान दिया 2500 का। आपने कहा सर मेरा तो एडवांस रह गया आपके पास। मैंने बोला बिल्कुल हाँ, एडवांस रह गया। कितना एडवांस रह गया? 500 रुपए। जैसे ही आपका एडवांस रह गया, मैंने बोला चलो भैया अब कॉल कर लेते हैं आपसे, आप अलॉटमेंट का भी पैसा दे ही दो। आपने बोला भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो अलॉटमेंट का मांगा कितना? 500, और अलॉटमेंट का नंबर कितने का? 4। आपसे मैं 2000 रुपए मांग रहा था, और जिसमें से आपके 500 एडवांस था, तो अल्टीमेटली मुझे आपसे मांगना कितना चाहिए था? 1500, और आपने देने से मना कर दिया। तो मुझे बताइए, राम ने अलॉटमेंट पे पैसे देने से मना कर दिया, जो कि है कॉल सी रेरियर, कितने रुपए है? 500 × 4, 2000 रुपए देने से मना कर दिया, या 1500 रुपए देने से मना कर दिया? बताइए कितने देने से मना कर दिया? 2000 या 1500? जवाब आ गया सर 1500। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 5। हाँ 1500, ठीक है। तो सर 1500 रुपए सभी का जवाब आ गया। अब मैं एंट्री करने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बोला राम तेरे पैसे हम फोरफीचर कर लेंगे, तो राम का कौन सा फोरफीचर होगा? जितना उसने दिया है, तो एक उसका एप्लीकेशन का पैसा फोरफीचर करेंगे, जो कि ये है, और बोलेंगे भाई तूने एडवांस दिया, ये भी फोरफीचर कर लेंगे। तो इसका फोरफीचर एक एप्लीकेशन का हो गया, एक एडवांस हो गया। टोटल फोरफीचर में कितना चला गया? 3000। और राम का मैंने बोला तेरा एडवांस जितना था वो क्रेडिट करेंगे। तो राम का एडवांस देखा जाए तो अलॉटमेंट एरियर, तो राम का एरियर देखा जाए तो 1500 रुपए किसका था? अलॉटमेंट का। और देखते हैं भैया राम तू इसके भी पैसे नहीं देगा, और तेरे पास कितने? 500 शेयर है, तो तूने इसके कितने पैसे नहीं दिए होंगे? 500, तो प्लस 500, तो यहाँ 2000 रुपए नहीं आए। तो टोटल करके हमारा ये एंट्री बन जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, जो कि आपका 5000 5000 मैच हो जाता है। बताइए अब कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर, आगे चले। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम फटाफट से। सर अगले कौन से पॉइंट पे? देखते जाइए। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने इसको होल्ड की जगह पे, अब मैंने होल्ड की जगह पे नहीं, तो सर यहाँ पे मैंने नाम बदल दिया। मैं तो सिर्फ वैरायटी करा रहा हूँ। अगर यहाँ पे अप्लाई लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और मैंने बोला तेरा शेयर यहीं फोरफीचर कर लेंगे, तब फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 5 और 4 9 रुपए इंटू में। अब समस्या यहाँ आ गई। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा राम का कितने शेयर फोरफीचर हो रहे हैं। सोनू का, मैं राम इतनी देर से कह रहा हूं, सोनू, सोनू का कितने शेयर फोरफीचर हो रहे हैं बताइए? सोनू के 500 शेयर फोरफीचर होंगे,
या सोनू के 500 की जगह 600 कर देते हैं उसको, थोड़ा बदलाव। सोनू के 600 शेयर फोर फीचर होंगे या कोई और नंबर सोनू के फोर फीचर होगा। तो ध्यान से देखिए, सोनू ने मांगे 600 थे, क्या उसे मिला भी 600 होगा? तो जवाब है नहीं सर, उसे 600 नहीं मिला होगा। इसका मतलब वेरी वेरी सिंपल, सोनू ने मांगे 600 थे तो मिला भी 600 नहीं होगा। तो हमें यह पता करना होगा कि भाई सोनू तेरे को मिला कितना। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन लगाएं तो देखेंगे भाई तूने अप्लाई किए थे, भाई तूने अप्लाई किए थे कितने, 600, तो तुझे अलॉटेड कितने हुए, अलॉटेड कितने हुए? तो जवाब आया सर 600 गुणा में 5/6, यानी तुझे मिले 500 थे, तो तेरे सारा हिसाब तो 500 से ही होगा। इसका मतलब सर ये होगा 4500। टू शेयर फोर फीचर, इसके शेयर का फोर फीचर करेंगे तो भैया यहाँ पे फिर से रेशो डिफरेंस आ गया, फिर से रेशो एडवांस वाली कहानी आ गई, तो फिर से यही कैलकुलेशन बैठेगी कुछ ना कुछ। मैं यही कैलकुलेशन सेम, इसलिए मैंने दोबारा नहीं करना, इसी को मान लेते हैं कि इसने टोटल पैसे कितने दिए होंगे, दिमाग में लगाओ। अगर इसने मांगे 600 से तो 5 के हिसाब से 3000, मिले 500 तो 2500 कट गया, तो एडवांस हो गया। तो शेयर फोर फीचर में एग्जैक्टली एकदम सेम 2500 और प्लस 500 एडवांस, तो कितने आ जाएंगे 3000। और टू अलॉटमेंट एरियर या कॉल्स इन एरियर, इसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो कितने देने में मना किया? तो भाई ऐसा मत कर देना 600 × 4 कितने होंगे, 500 × 4 2000, लेकिन एडवांस भी तो थे इसके 500, तो दैट इज इसके कितने 1500 रुपए, यानी अगर देखा जाए तो 1500। सर ये 1500 कैसे बना? अगर आप सवाल को देखोगे ना तो आप इसी एडजस्टमेंट को हूबहू यहां चिपका सकते हो, क्योंकि कहानी मैंने ऐसा रखा ताकि ये भी अप्लाई हो जाए। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें? देखिए सवाल बदल गया। अब बोलेंगे सर सवाल बदल गया लेकिन आंसर क्यों नहीं बदला? क्योंकि कुछ मैंने नंबर ही ऐसा रखा यहाँ पे जिससे कि अप्लाई अलॉटेड पिछले वाला ही बन जाए, बस और कोई रीजन नहीं है। बताइए कोई डाउट? एक जगह अप्लाई है, एक जगह अलॉटेड है। कॉल सिनेरियर 1500 में से आया, बता दो 15 में से आया। बच्चे कह रहे हैं सर 1500। भाई 1500 तो ऐसे आया ना, यहां देखिए कैलकुलेशन, मैं सिर्फ कैलकुलेशन, टोटल पैसा इसने दिया होगा 3000, कैसे 600 × 5, इसको सामान मिला 2500, एडवांस रह गया 500, 500 एडवांस रहने के बाद इसमें फेल हो गया, तो फेल जब हुआ ये तो इससे मांगे थे 2000, तो फेल तो ये 1500 ही देने में हुआ ना, इस तरीके से ये 1500 आया। बताइए आ गया? अब हम क्वेश्चन करेंगे। यहां तक बेसिक हमने शेयर फोर फीचर का पार्ट कवर कर लिया, सिर्फ शेयर फोर फीचर था ये। इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। चलिए